और आपका आज की वीडियो स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि टीम इंडिया वापस आ चुकी है और कल था मुंबई में विक्ट्री परेड थी और भाई मैं कहूंगी कि क्या वेलकम, क्या ग्रैंड वेलकम जो लोगों ने वो दिया है टीम इंडिया को। वेल उसी से रिलेटेड हम लोग आज वीडियो देखेंगे। टाइटल क्या बताएंगे मौज़म? टाइटल है टीम इंडिया विक्ट्री परेड। मुंबई में टीम इंडिया की विक्ट्री परेड, रोहित शर्मा टीम इंडिया। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोकेशन का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाओ ये पता है वो जब मुंबई लैंड हुए हाँ, थे तो उन्होंने अपनी तरफ से एक सलामी हाँ दी है। वाओ ये तो नहीं मैंने देखा था। नाइस वेरी नाइस। कितना अच्छा झंडा, कितना अच्छा लग रहा है प्लेन के आगे। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। वाओ फैंस फिर भी टीम इंडिया एट द एयरपोर्ट। यार सीरियसली जश्न लग रहा है। जश्न ओके। ये स्टेडियम वाखेड़े स्टेडियम। बारिश हो रही है। हाँ कल बारिश हो रही थी वहाँ पे। ओके ये बाहर का व्यू है ना। माय गॉड। अच्छा ये आपने बताया मुझे पता चला है। The crowd said it all. कैसे देखें लोग, मैं लोगों का सैलाब उमड़ आया हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। एक तरफ आपको समंदर देखने को मिल रहा है, एक तरफ लोगों का। अच्छा वो स्टेडियम जो है उसी के बाहर। हाँ वाओ शॉट कितना मजे का है ना। विक्ट्री परेड। अच्छा ये उधर से बस से। हाँ रोहित गोट इमोशनल। ऑब्वियसली बंदा होता है बिल्कुल। इतना प्यार नजर जब आ रहा है। सही बात है। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई। प्रेज कह रहे हैं लोगों को। What it means to Indian show them the video. Seriously. सिक्योरिटी देखें साथ। वाओ सीरियसली वाओ। अच्छा कुछ शॉट्स में तो वाकई ओ गॉड। अच्छा अभी ये स्टेडियम के अंदर है। द डांस ऑफ आवर चैंप्स। डांस एक ना ये पता नहीं कौन कर रहा। मुझे लग रहा जैसे ये हार्दिक हैं। हाँ लग रहे वही रहे हैं। लग रहे मुझे हार्दिक। हाँ वही हैं भाई। जश्न तो बनता है ना फिर इस तरह का। ये कौन है मज़ूम? बुमराह। नहीं नहीं बुमराह के पीछे जो डांस कर रहा वो नहीं मुझे पता चल रहा। यार ये वाली फुटेजेस देखे ना कसम से वाकई अलग ही वाइब आ रही है। सही बात है। अच्छा ये 360 से किसी ने लिया हुआ है। वाओ वाओ कितना अच्छा लग रहा है यार। ऐसे लग रहा पूरी धरती ऐसी मतलब लोगों से बन गई है ना। इट्स सोम। बोले नहीं दे रहे। ओके शिट अर्शदीप है। ओह सॉरी अर्शदीप सॉरी।
पता नहीं कितनी रील्स इन्होंने बनाई होगी। मुझे लगा शायद किसी और को पकड़ा देंगे। एक झलक के लिए है, सही बात है, अपनी टीम को प्रेस करने के लिए। यार मैं सोच रही हूँ लोग कर सकते हैं। सही बात है, बहुत मुश्किल है इतने क्राउड को संभालना। सही बात है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना कन्फेटीज। हाँ वो तिरंगा बनाया है ना। यार बहुत घूम रहा है यार। शोर लोगों का। एआर रहमान ने जी ने कंपोज किया ना। लोग ऐसे से आउट ऑफ कंट्रोल। सही बात है। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे। हार्दिक 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 हार्दिक। अरे स्वैग है इस बंदे। हाँ स्वैग तो है, मतलब नजर आता है। मौसम भी अच्छा है ना। मौसम अच्छा है। हाँ बारिश भी तो हुई थी ना। मैं कहता हूँ भाई लोग जो आए हैं वो कितना पैशन उनका है। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, एक्साइटमेंट। जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, देखो कैसे उछल उछल के रोज हर मुश्किल को जीतेंगे। ये क्या कर रहे हैं बॉस देख रहे हैं है ना। हाँ साइन कर कर के आई गेस। अच्छा हाँ 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 ये भी सही है। हाँ। अपने फैंस के लिए जिसके हाथ में आ गई। मुंबई यानी मुंबई का राजा। मुंबई छा राजा। रंग तेरी रीत का रंग। सही
सैलाब है भाई दुनिया का, कोई ऐसा वैसा। इतने लोगों में से बस को ड्राइव करना भी एक बड़ी, लेकिन साइडों पर मैं हर में वो रास्ता बेशक, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ यार। दुनिया में ना डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स को लेकर जो है ना एक क्रेज जो है ना वो पाया जाता है। हमारे यहाँ पर जो है ना जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है यहाँ पर आपको जो है ना क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि और भी बहुत सारे खेल हैं, कबड्डी है, हॉकी है, बैडमिंटन है, लेकिन उसे देखकर इतना क्रेज़ नहीं जितना क्रिकेट जो है ना। मैं कहूँगा कि हमारे जो है ना वो कह लें कि यहाँ के लोगों के रग रग में मैं कहता हूँ बसा हुआ है। वेल मैं कहूँगी भाई जितनी भी हम लोगों ने फुटेजेस देखी हैं क्या ग्रैंड वेलकम किया है सीरियसली। कल भी जब लाइव स्टार्ट हुआ था मैंने थोड़ा सा देखा था लाइव में ना, उस टाइम पर भी मतलब लोग बहुत ज़्यादा थे, बट जो एरियल व्यू आता है ना लोगों का उसको देखकर तो लगता है लोगों का सैलाब आ गया है यार। जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया है और जिस तरीके से मैं कहूँगी कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं इंडियन टीम ने इस मोमेंट को जिया होगा, मुझे लगता है वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। वैसे इससे पहले मैंने देखा था 2007 में भी मैंने देखा था फुटेज जो जब इंडिया जीता था ना उसकी भी फुटेज मैंने देखी थी, उसमें भी इसी तरीके से इंडियन टीम जो है वो परेड की थी इंडियन टीम ने मतलब जीतने के बाद ट्रॉफी के बाद वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन जो है मैं अगर बात करूँ ना तो मुझे इससे पहले जो है ना मैं जब इतने ज्यादा रश से वाकिफ हुआ ना तो वो फीफा वर्ल्ड कप में जो टीम जीती थी ना उनके कंट्री मतलब कौन सा कंट्री था, अर्जेंटीना का बिल्कुल, और वहाँ की जो है पब्लिक ने जो है एक बहुत ग्रैंड वेलकम जो है वो किया था। और उसके बाद जो है ना मैं अब इतना ग्रैंड वेलकम जो है वो अब इंडिया में देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ जिस तरह पब्लिक बाहर निकली है, जिस तरह एक स्वागत किया गया, बेशक वो एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिले, बेशक वो आपको मरीन ड्राइव पर आपको देखने को मिले, मैं कहता हूँ भाई लाजवाब है ये। मैं कहूँ सही बात है भाई, आपको जो है ना यहाँ से पता चलता है कि लोगों में ना स्पोर्ट्स को लेकर इंटरेस्ट अपने जो है वो हाँ, और अपने जो है ना प्लेयर्स को लेकर जो उनका एक प्यार है। नो डाउट भाई क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलती है, जैसे अगर पास्ट की कुछ गेम्स देखें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली। लेकिन जो है ना जब कुछ अचीव करके आती है तो ये मैं खाली इंडिया की बात ही करूँगा, इसमें आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान आपको हर जगह ये देखने को मिलता है। जब जीत कर भी आते हैं ना तो बहुत सारी एप्रिसिएशन भी आपको देखने को मिलती वैसे है। बांग्लादेश तो अभी तक नहीं जीता किसी भी मतलब इस तरह से बड़ा कोई मैच लाइक अगर देखा जाए ट्रॉफी वगैरह तो मतलब मुझे नहीं लगता बांग्लादेश का तो कभी देखा नहीं है। लेकिन इंडिया की मैं बात करूंगी मतलब पाकिस्तान में भी मतलब वेलकम होता है लेकिन ऐसा नहीं मैंने देखा नहीं, मतलब नहीं, मैंने देखा है सरफराज ने जब जो है ट्रॉफी जो जीती थी उसके बाद काफी ज्यादा लोगों ने जो है ना एक वो फुटेज इस तरह का देखा नहीं था। इस तरह का नहीं इस तरह का नहीं इस तरह की परेड जो है स्पेशल नहीं देखी। ये तो भाई एक अलग ही लेवल पे है ना, प्लेयर्स इमोशनल हो रहे हैं, फैंस जो है वो आए हुए हैं, बस बीच में से गुजरी है। और हाँ भाई एक चीज जो मैं कहूंगा अवेयरनेस की जो है वो बात जो है ना जब आती है ना तो वो भी आपको जब वो देखने को मिलती है। कल मैंने एक क्लिप देखा था कि भाई एक एम्बुलेंस जो है वो गुजर रही थी और लोग जो है वो रास्ता दे रहे थे, तो ये चीज भी जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई अगर आप इतना भव्य वेलकम कर रहे हैं ना तो आप जो है ना जो इमरजेंसी वाली जो चीजें हैं आप उन्हें रोक नहीं रहे, आप उन्हें स्ट्रक नहीं कर रहे। बिल्कुल, एक तरफ हम कहेंगे कि समंदर का वो समंदर हमें नजर आ रहा, दूसरी तरफ हमें लोगों का समंदर नजर आ रहा था। अच्छा एक दो चीजें और मैंने सुना, मतलब अब मुझे नहीं पता कि ये सही कि नहीं, बट मैंने सुना कि 29 जून को मे बी मतलब एक स्पेशल डे जो है वो मतलब टाइटल दे दिया गया है, ये ठीक है या नहीं ठीक है ये बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में ये भी। और भाई दूसरा ना एक क्लिप मैं ना इंतजार करी थी और मुझे बड़ा फनी लगा था, मैंने कहा देखा था कि ना उसमें मतलब ग्राउंड में ही ना चल रहे होते हैं सारे प्लेयर्स और मतलब ऐसे हाथ उठा उठा के बड़े जोश ऐसा और वो शर्ट आ जाती है। हाँ बिल्कुल, वो मैंने देखा था, मैंने ना दो तीन मिनट देखा, मैंने पहली मिनट में एकदम पांड्या जी हैरान हुई थी शर्ट क्या आ गई तो दोबारा यू फेंक यार तो किसी ने वहां से फेंकी होगी ना साइन करने के लिए, हो सकता है फेंकी हो। पीछे से बुमराह इतना हंसता है, मैंने देखी हंसी आई बाद में, लाइक मैंने दो तीन मिनट देखा ये हुआ क्या है, क्योंकि आप जो पहली मतलब देखते हो ना आपको समझ नहीं आती है ये क्या हुआ है।
बट खैर मैं कहूंगी क्यों, मैंने तो कमेंट सेक्शन पढ़ा था तो मैंने वहां पे पढ़ा था कि सही जो है ना फन तो वो बुमराह ने किया है जो पीछे जब वो इतना हंस रहे थे खुल के जब चर्च पे आई थी। हाँ क्योंकि एक दो मरतबा देखकर आपको समझ नहीं आती, फिर उसके बाद आपको समझ आती है भाई ये कहीं चीजें फेंकी है, वहां से उन्होंने एकदम से उनका रिएक्शन आई ये क्या मेरे ये क्या हाथ में आ गया। लेकिन खैर बीच में हम लोगों ने काफी अगर अगर फॉर एग्जांपल वो साइन करके वापस फेंक देते ना तो वो शर्ट पे लीरो लीरो हो जानी थी। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो जैसे बॉल्स भी उन्होंने साइन करके फेंकी है वो भी एक अच्छा आइडिया है मतलब अपने फैंस को खुश करने का। भाई ओवरऑल मैं कहूंगी ये जश्न ऐसा था जो कि मुझे लगता है कि सारी जिंदगी याद रहेगा। अच्छा वैसे तुम्हें पता है कि कितना क्राउड था, लगभग कितने लोग थे भाई? लाखों के हिसाब से होंगे यार, वैसे पता नहीं, अब ये नहीं मुझे पता, मुझे समझ नहीं आ रही कि नंबर जो मैंने पढ़े वो सही है कि नहीं है। मैं तो मैंने पढ़ा कि 20 लाख लोग थे करीब, हो सकते हैं क्योंकि भाई मरीन ड्राइव आप पूरी देखे ना वो पूरी भरी पड़ी हुई थी, पता नहीं हो सकता है। और मरीन ड्राइव का स्ट्रेच अच्छा खासा लंबा स्ट्रेच है। हाँ और मतलब मैं कहूंगी कि कल क्या आलम होगा भाई, और यहाँ पर सिक्योरिटी को मैं कहूंगी उनको उनको अप्रिशिएट करना पड़ता है जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया हैंडल किया वाकई में इतने क्राउड को। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि इतना ही क्राउड होगा या इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, या मतलब मैंने गलत पढ़ लिया ये जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और इसी के साथ ही मेरे साथ बाय।